मुल्तान औलिया की नगरी, जिसकी फजा में अमन मोहब्बत और इश्क महकता है। और जब बात आ जाए पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट की, तो इस फजा में जुनून भी शामिल हो जाता है। मज़ारों के इस शहर की तारीख तो सदियों पुरानी है, लेकिन क्रिकेट और मुल्तान का रिश्ता भी दहाइयों पुराना है, और ये रिश्ता नस्ल दर नस्ल मजबूत होता जा रहा है। चलते हैं मुल्तान की क्रिकेट से वाबस्ता कुछ खिलाड़ियों और कोचिज की जानिब, और उनसे पूछते हैं कि बैन अल-अक़वामी क्रिकेट की मुल्तान ने वापसी से यहाँ के मकामी नौजवान खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा होगा और उनकी क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। जैसे आपको मालूम है कि अब मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो वापस आई है, और इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा मुल्तान की लोकल क्रिकेट के लिए और ख़ासकर जूनियर्स के लिए। तो मैं जैसे हमारे जूनियर मुल्तान में जो है वो देखेंगे बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और खुशदिल शाह को खेलते हुए, तो उनमें एक जो है ना वो जज्बा पैदा होगा। और इसी तरह हमारी जवारी क्रिकेट अकेडमी को जो है वो ख़ास तौर से यंगस्टर को जो है एक बूस्ट मिलेगा कि वो भी चाहेंगे कि वो भी इनकी तरह जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें। और ये मुल्तान रीजन जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स पैदा करता रहा है, लाइक इंजमाम, वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद और अब जो है वो शुएब मकसूद रिसेंटली जो है पाकिस्तान से खेले हैं। तो मुल्तान जो है ख़ास तौर से वो इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए एक जो है वो बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव एरिया रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जवारी क्रिकेट अकेडमी में कोच हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से भी जो है वो हमारे जो जूनियर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जाएँ। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट ना बेबहा हो चुकी है। पहला टूर जिम्बाब्वे ने किया, फिर उसका बांग्लादेश ने किया, उसमें इंजमाम उल हक ने 100 किया था और बड़ा कमाल पाकिस्तान को मैच जितवाया। उसके बाद इंडिया आई, फिर इंग्लैंड आई, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना वेस्ट इंडीज़ ने किया ये। तो वेस्ट इंडीज़ का यहाँ पे आना हम उन्हें वेलकम कहेंगे कि यहाँ पे ये इस तरह इवेंट होते रहे, और मुल्तान की क्रिकेट भी प्रमोट होगी और इंटरनेशनल ग्राउंड भी आबाद होंगे। 2005 में मैंने लेदर बॉल क्रिकेट स्टार्ट की थी अल कासिम क्रिकेट क्लब से। तो जब मैं पहली दफ़ा स्टेडियम गया 2006 में, वेस्ट इंडीज़ की टीम आई हुई थी, ब्रायन लारा ने 200 किया था। उस वक्त मैं एज ए बॉल पिकर वेस्ट इंडीज़ टीम को प्रैक्टिस कराने गया था, एज ए बॉल पिकर बाउंड्रीज पे मैं बैठता था। उस वक्त लारा ने जो 200 किया था वो मुझे याद है। और बाकी देखें पाकिस्तान में मुल्तान में जो है 14 से 15 साल बाद क्रिकेट दोबारा वापस आई है, एक बड़ा अच्छा साइन है मुल्तान के लिए और पीसीबी का एक बड़ी कामयाबी है। मुझे याद है पाकिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट मैच हुआ था मुल्तान स्टेडियम में, वो मैं एक दफ़ा देखने गया था। तो आई थिंक इस तरह जब इंटरनेशनल क्रिकेट आपके शहरों में वापस आती है ना, तो यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा खेलने का शौक पैदा होता है। आप देख सकते हैं जैसे वनडे सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की पाकिस्तान से मुल्तान में हो रही है, आप इसका एक वीक बाद आप देखेंगे कि इन ग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा नए बच्चे क्रिकेट को खेलना स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट की रंगीनियों और रोशनियों ने एक बार फिर मुल्तान को अपना महवर बनाया, और मुल्तानियों ने बैन अल-अक़वामी खिलाड़ियों को अपनी मोहब्बत और लगन से न सिर्फ अपना बल्कि इस शहर का भी गर्विदा बना दिया। शुक्रिया मुल्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।